एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनूशेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं राखी खरीदने और मिठाई वगैरह लाएंगे, क्योंकि कल नहीं जा पाए, आज रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शॉपिंग करके लाएंगे, फिर रक्षाबंधन मनाएंगे। किसी कारणवश लग रहा था कि रक्षाबंधन इस साल मना ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और वहाँ से राखी शॉपिंग करेंगे। चलिए, आप लोग को भी ले चलती हूँ मैं। फ्रेंड, देखिए कितना तेज़ धूप है, धूप आज बहुत तेज़ निकला है, और कल तो बारिश हो रही थी अच्छी खासी, आज बादल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है। अच्छा क्या है, धूप बहुत तेज़ है, निकलने पर पता चलेगा कितना तेज़ धूप है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं। ये दोस्तों, हेलो गाइस। अरे भैया, बढ़िया लग रही है भाभी, इसलिए तो बना रही हूँ, आ जाएंगी ब्लॉग में। लेने हम लोग पहुंच गए हैं स्मृति नगर जगदम्बा दुकान पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। फ्रेंड, वैसे तो अभी थोड़ा सा कमी था, समझिए सुबह में थोड़ा सा पहले आए रहते ना तो और भीड़ रहता, अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा भीड़ कम था। और हम कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं हम रक्षाबंधन मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे ना, तो हर साल तो एक दिन पहले ही शॉपिंग हो जाती है। फ्रेंड, और यहाँ पर मिठाई टेस्ट करने के लिए भी दे रहे थे, बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती है इनके यहाँ, और जितनी भी मिठाइयाँ हैं फ्रेंड सब देसी घी में बना हुआ है, शुद्ध देसी घी में, और बहुत अच्छी मिठाई इनके यहाँ की रहती है। मतलब हम लोग 7 साल से यहाँ पे रहते हैं तो जानकारी है, इससे पहले भी जो लोग हैं, ये 30 साल पहले का दुकान है, 30-32 साल पहले का, जो जिसके मुँह से भी हम लोग सुनते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी मिठाई इनके यहाँ मिलती है। और यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो कुछ लोग मुझे ही देख रहे हैं। फ्रेंड, तो अभी चल रहे हैं घर। हाँ, राखी लेने जाना है फ्रेंड, सॉरी। और देखिए अभी जा रहा है, इधर से कुछ खरीदवाएगा जरूर पक्का। अरे हमारे घर में इतना सारा चॉकलेट, फिर भी लेगा ना, इसकी आदत है, बहुत जिद करता है लेकिन। फ्रेंड, और यहाँ पे साईं मंदिर है, देख सकते हैं, जय श्री साई भगवान। प्यास लग गई फ्रेंड, रोज़ तो ऐसे बादल रहता है लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मिठाई की दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा, तो मिठाई तो ले लिए हम लोग और अभी राखी खरीदने जाना है। ले चलती हूँ आप लोगों को। क्या लिए हो आरव? आरव क्या लिए हो? ऐसा मैं ग्रीन चिप्स ही लेता हूं। चलो
हम लोग पहुंच चुके हैं राखी के दुकान पे, और आज तो लास्ट ही है क्योंकि आज ही रक्षाबंधन है, तो शॉपिंग करने आज ही पहुंचे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रहे थे भैया जी, और इनके यहाँ से हम लोग अक्सर ख़रीदारी करते हैं, तो यही पहुँचे हम लोग क्योंकि सोचे क्या मार्केट क्या जाना है, यहीं से ले लेते हैं, बेस्ट मिलता है इनके यहाँ भी राखी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी राखियाँ पड़ी हुई है। तो जब मैं राखी खरीदने गई थी तो मुझे भी बहुत याद आ रही थी अपने भाइयों की, और अभी तक मैंने अपने भाइयों से बात नहीं की है, अब शाम के टाइम पे ही बात करूँगी। बहुत याद आ रहा था जब मैं राखी खरीद रही थी फ्रेंड, मैं हर साल सोचती हूँ कि या मैं ही जाऊंगी या फिर वही आएंगे, लेकिन ना उनको टाइम मिलता है ना मुझे ही मिलता है, इतनी दूर हूँ मैं अपने भाइयों से, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेती हूँ उतने से ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे राखी हम लोग खरीद रहे हैं, और बिटिया रानी लेंगी और हस्बैंड जी भी लेंगे क्योंकि उनकी बहनों ने बोला है, तो फिर राखी उखी वो खुद के लिए भी लेंगे, और मैं हर साल हनुमान जी को राखी बांधती हूँ या फिर भिजवाती हूँ हस्बैंड के द्वारा, तो वही उनके लिए भी राखी ले रही हूँ मैं। और इसी कन्फ्यूजन में अभी तक हम लोग नहीं लिए थे कि शायद पता नहीं रक्षाबंधन मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने मतलब हम लोग मना ही रहे हैं, रक्षाबंधन पसंद है ना, एक निकलवा लो, कर रहे हैं, एक निकाल दीजिए इसमें, तो बने रहिएगा फ्रेंड ब्लॉग में। कौन तोड़ा? अरे वो पकड़ी थे कि फुटबॉल उन लोग। कौन तोड़ा है? कौन नाम बताओ? सिद्धू का भाई और तो आप लोगों ने सुना फ्रेंड कि आते ही पता चला है कि खिड़की का कांच तोड़ दिए हैं बच्चे, और अक्सर यहीं पे फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं, मैं बार बार मना करती हूँ लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, बच्चे ही है फ्रेंड, क्या कर सकते हैं। और इन लोगों को तो वैसे मैं हमेशा चिल्लाते रहती हूँ यहाँ मत खेलो मत खेलो, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ। और कांच दो जगह तो टूटा ही था, तीसरी जगह टूट गया, तो यहाँ पे हस्बैंड जी आते ही पुट्टी लगाने बैठ गए हैं, और बच्चे डरते भी हैं मुझसे कि आंटी कहीं गुस्सा ना हो ऐसे करके, लेकिन गुस्सा तो होती हूँ फ्रेंड, लेकिन क्या करूँ ये बच्चे ही हैं नहीं मानते हैं, तो मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि नहीं, लेकिन वो लोग देखते ही मुझे भग जाते हैं, मैं थोड़ा सा डांटती भी हूँ क्योंकि ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग के सामने ही है। इन लोगों की मस्ती हर टाइम चलती है, जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये लोग यहाँ से तुरंत भगते हैं, और जहाँ ही मैं घर के अंदर आती हूँ फ्रेंड ये लोग फिर से आके वहीं खेलने लगते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ चल खेल लो क्या करना है, लेकिन कांच तोड़ देते हैं तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। इधर कांच मैं इसलिए लगवाई थी ताकि ये बारिश का पानी जितना भी आता है ना वो फ्रेंड ना आए, ना बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, मुझे ही प्रॉब्लम होती है, पूरा पानी इधर तक आ जाता है, और ठंड में ठंडी हवाएं भी चलती है, तो इसी वजह से मैंने ये कांच लगवाया था। देखिए यहाँ पर भी तोड़ दिए हैं, यहाँ पर मैंने छोटा सा कांच रखा हुआ है फ्रेंड। मनस हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, आरो हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हेलो जी हैप्पी रक्षाबंधन। फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं रक्षाबंधन, राखी का शॉपिंग करके बस राखी लाए हैं और मिठाई लाए हैं, और शाम का ब्लॉग बनाऊंगी मैं, दूसरे ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।